अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग लेवल फोर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अवर फर्स्ट लेसन एंड अवर लेसन नेम इज़ अ लेजेंड ऑफ रुबेसन। वंस अपॉन अ टाइम अ ग्लेशियर वॉज ट्रेवलिंग अक्रॉस द माउंटेन्स। एक दफ़ा का जिक्र है कि ग्लेशियर सफ़र कर रहा था माउंटेन्स में। द माउंटेन पाथ वॉज नैरो। माउंटेन का जो पाथ था वह बहुत ही ज़्यादा तंग, डस्टी, मट्टी से भरा हुआ एंड कवर्ड इन स्मॉल शार्प स्टोन्स और पत्थरों से भरा हुआ था। टू द साइड्स ऑफ द पाथ वर प्रिकली श्रब्स एंड बोल्डर्स। दोनों साइड पर जो है पहाड़ों के झाड़ियाँ लगी हुई थी। द स्काई अबव और आसमान में द सन शोन ब्राइटली। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था। विच मेड द ग्लेशियर लॉर्ड फील हैवियर। जो ग्लेशियर को उसके उठाए हुए बोझ को और ज़्यादा भारी महसूस करवा रहा था। द ग्लेशियर वॉज अ गुड मैन हु वर्कड हार्ड। ग्लेशियर बहुत ही अच्छा इंसान था और काफ़ी मेहनत करता था, सख्त मेहनत करता था। ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड फ्रॉम कैरिंग द हैवी लॉड ऑफ ग्लास, सो ही बिगेन टू लुक अबाउट फॉर अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट। ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो जो ग्लास उठाकर लेकर जा रहा था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो वो कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहाँ वो रुक कर थोड़ी देर रेस्ट कर सके। रुबेसन अ माउंटेन स्प्राइट। स्प्राइट कहते हैं एक ऐसी चीज़ को, जो एक ऐसे पर्सन को जो मैजिकल हो, जो अपने आप को तब्दील कर सकती हो, अपनी शक्ल, अपना जो है भेस तब्दील कर सकती हो। अ माउंटेन स्प्राइट हैड बीन वॉचिंग द ग्लेशियर फॉर सम टाइम। रुबेसन जो है ग्लेशियर को काफ़ी देर से देख रहा था। एज सून एज ही सॉ दैट द ग्लेशियर वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस। जब उसने देखा कि ग्लेशियर कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहाँ पर वो बैठकर आराम कर सके, ही स्किप्ड अहेड अराउंड अ बेंड इन द पाथ एंड चेंज हिमसेल्फ इनटू अ लिटिल माउंट कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रास दैट लुक लाइक अ कम्फर्टेबल प्लेस टू रेस्ट। तो उसने ख़ुद को थोड़ा सा आगे बढ़कर ऐसी जगह में तब्दील कर लिया, अपने आप को ऐसी जगह में तब्दील कर लिया जो कि कंफर्टेबल, आरामदेह, पुरसकून और आराम करने के लिए सही थी। व्हेन द ग्लेशियर डिस्कवर्ड द माउंट, और जब ग्लेशियर वहाँ पहुँचा, इन हिज वे ही स्माइल्ड एंड वो मुस्कुराया एंड फीलिंग वेल प्लेस और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही पुट डाउन द ग्लास एंड सेट हिमसेल्फ डाउन। उसने ग्लास नीचे रखा, वो जो कांच उसने उठाया हुआ था, और ख़ुद भी नीचे बैठ गया। आह दैट्स बेटर, ये अच्छा है, ही सेड, उसने कहा। बट ही जॉय वॉज नॉट टू लास्ट, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। आफ्टर जस्ट अ फ्यू मिनट्स, चंद लम्हों बाद ही द माउंट वैनिश्ड। वो जो माउंट थी, वो जो टीला था, वो गायब हो गया फ्रॉम अंडर हिम सो रैपिडली दैट द पुअर ग्लेशियर फेल टू द ग्राउंड। अचानक जैसे ही वो टीला गायब हुआ, जो ग्लेशियर था वो नीचे गिर गया टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर विद द हिज ग्लास, उसके कांच के साथ जो उसने उठाया हुआ था। द फॉल स्मैश्ड द ग्लेशियर ग्लास इंटू अ थाउजेंड पीसेस। जैसे ही वो कांच का टुकड़ा नीचे गिरा, वो हज़ारों टुकड़ों में तकसीम हो गया। दो पुअर फेलो अरोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड लुकड अराउंड हिम। वो फ़ौरन से खड़ा हुआ और उसने अपने इर्द गिर्द देखा। बट द माउंट ऑफ अर्थ हैड डिसअपीयर्ड, लेकिन वो माउंट टोटली गायब हो चुका था। द ग्लेशियर बिगन टू वेल एंड ग्रॉन बिटरली। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ओह नो माई फैमिली विल गो हंग्री। अब क्या होगा, मेरी फैमिली तो भूख से मर जाएगी। ही साइड, वो रोया विद हार्ट फेल्ट सोरो ओवर हिज बैड लक एंड लुक इन डिसमे एट द ग्लास। वो काफ़ी उदास था अपने उस ग्लास को देखकर। शार्ड्स स्कैटर्ड अराउंड हिम, हाउ वॉज ही गोइंग टू अर्न एनी मनी। जब उसने उस ग्लास के टुकड़ों को अपने इर्द गिर्द बिखरे देखा, तो उसने सोचा कि अब मैं अपने पैसे कैसे इकट्ठे करूँगा, मैं घर पैसे कैसे लेकर जाऊँगा। आफ्टर अ वाइल द ग्लेशियर स्टार्टेड वंस मोर ऑन हिज जर्नी। आखिरकार उसने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। ही वॉक्स स्लोली विद हिज हेड डाउन एंड फ्रॉन ऑन हिज फेस। एट दिस पॉइंट रुबेसन द मिस्चीवियस माउंटेन स्प्राइट क्विकली डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ ट्रैवलर। अचानक से वहाँ जो रुबेसन थी, जो माउंटेन स्प्राइट थी, जो वो माउंटेन थी जिसमें ये मैजिकल पावर्स थे कि वो खुद को चेंज कर सकता था, उसने खुद को एक ट्रैवलर की सूरत में तब्दील किया और इसके साथ चलने लगा। हेलो माई गुड मैन, द ग्लेशियर ट्राई टू स्माइल बट हिज वरी एंड डिसअपॉइंटमेंट वॉज प्लेन टू सी ऑन हिज फेस। उसने कहा कैसे हो तुम, लेकिन उसने ग्लेशियर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था और नाउमीद हो चुका था कि मेरा ग्लास टूट चुका है, मैं अब कैसे पैसे घर लेकर जाऊँगा, मैं इस ग्लास को बेचने निकला था, तो उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी, ना उम्मीदी थी और मायूसी थी, वो उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। रुबेसन स्पोक टू हिम, व्हाई डू यू लुक सो सैड ऑन दिस सनी डे। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो।
व्हाट हैज़ गिवन यू सच ग्रेट सोरो, कौन है जिसने तुम्हें इतना दुख दिया। द ग्लेशियर टोल्ड हिम द होल अफेयर, ग्लेशियर ने उसे सारा किस्सा बताया, अफेयर कहा जाता है किस्सा या मामला। हाउ दैट बींग वेरी, ये कितना बुरा था, ही हैड सीटेड हिमसेल्फ अपॉन अ माउंट बाय द वे साइड, हाउ इट हैड सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अंडर हिम एंड ब्रोकन टू पीसेज हिज होल स्टॉक ऑफ ग्लास। उसने कहा कि मैं जिस माउंट पर बैठा वो अचानक से गायब हो गई, ऐसा होता नहीं है पर ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, और जो मेरा ग्लास था जो मैं बेचने जा रहा था कंस का टुकड़ा, वो टूटकर टुकड़ों में तकसीम हो गया, विच वॉज वेल वर्थ एट लीस्ट $8, जो कि काफ़ी महंगा था, तकरीबन $8 का। डॉलर बेटा एक करेंसी है, जैसे हमारा रुपया है, हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू रिकवर दिस लॉस, मुझे नहीं मालूम मैं ये जो है नुकसान कैसे रिकवर करूँगा। ही वेल्ड द कंपैशनेट माउंटेन स्प्राइट कम्फर्टेड हिम एंड कन्फेस्ड हु ही वॉज, उसने खुद को उसको कहा आराम से कि रिलैक्स हो जाओ, और फिर उसने उसको उसके सामने कन्फेस किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो कौन था, एंड टोल्ड हिम, और बताया दैट ही हिमसेल्फ हैड प्लेड द ट्रिक, उसने एक ट्रिक खेली थी उसके साथ। डोंट वरी एंड बी हैप्पी, उसने कहा परेशान मत हो और खुश हो जाओ, आई विल हेल्प यू टू गेट योर मनी बैक, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारा पैसा वापस लाने में। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया द एस्टोनिश ग्लेशियर अग्रीड टू डू एज रुबेजल सेड। ग्लेशियर ऑलरेडी परेशान था कि कोई खुद को कैसे चेंज करता है किसी माउंट में, और कैसे फिर वो एक ट्रैवलर की सूरत इख्तियार कर जाता है, वो सब कुछ सुनकर वैसे ही परेशान था, तो वो उसकी इस उस पर अग्री हो गया कि ठीक है। एज द ग्लेशियर वॉच्ड इन अमेजमेंट, ग्लेशियर हैरत में था, रुबेजल ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू अ डंकी, रुबेजल जो वो माउंटेन स्प्राइट थी उसने खुद को चेंज कर लिया, पहले वो एक ट्रैवलर बना हुआ था, एक इंसान बना हुआ था जो उससे बात कर रहा था, फिर उसने खुद को तब्दील कर लिया एक डंकी में, एक गधे में। He told the glazier to take him down the path to the mill which lay at the foot of the mountain and to sell him to the miller. उसने कहा कि तुम ये पहाड़ से नीचे की तरफ जाओ और वहाँ पर एक मिल है, और वहाँ पर जो मिलर है उसको मुझे बेच दो। रुबेजल मेड द ग्लेशियर प्रोमिस टू बी श्योर टू लीव द मनी टू लिव विद द मनी एज क्विक एज पॉसिबल। उसने कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे बेचकर अपने पैसे लेकर वहाँ से निकल जाना। फीलिंग एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग हिज मनी बैक, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था अपनी पैसे वापस मिल जाने की सोच को लेकर। द ग्लेशियर इमिडिएटली क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द डंकी एंड रोड हिम डाउन द माउंटेन टू द मिल, आखिरकार वो उसे नीचे की तरफ लेकर गया मिल के पास। द मिलर वॉज अ क्रूएल मैन हु हैड चीटेड मैनी पुअर पीपल्स ओवर द ईयर्स। मिलर जो है बहुत ही क्रूएल मैन था, बहुत ही जालिम इंसान था, उसने बहुत सारे लोगों के साथ धोखा किया था, चीट किया था, सालों से करता आ रहा था। ही वर्क्ड हिज एनिमल्स एंड सर्वेंट टू हार्ड, वो अपने जानवरों और अपने नौकरों से बहुत सख्त काम लेता था। ही नीडेड अ न्यू डंकी, उसे एक नए गधे की ज़रूरत थी। द ग्लेशियर ऑफर्ड द डंकी फॉर सेल टू द मिलर एट द फेयर प्राइस ऑफ $10, ग्लेशियर ने मिलर को डंकी बेचने के लिए ऑफर किया $10 पर। द मिलर ऑफर्ड 9 टू द ग्लेज एंड द ग्लेशियर विदाउट फर्दर हैगलिंग took the money and happily went on his way. मिलर ने कहा मैं आपको 10 नहीं, मैं आपको $9 दूंगा, और ग्लेशियर खुशी खुशी अपने $9 लेकर बिना किसी बहस के बिना किसी बार्गेनिंग के वहाँ से चला गया। When he was gone, जब वो जा चुका, the miller shouted for the stable boy who immediately ran up to the mill. The miller said, hey, get this donkey some hay. मिलर ज़ोर से चिल्लाया और एक लड़के को बुलाया और कहा कि इस डंकी के लिए कुछ सूखा हुआ घास लेकर आओ। द स्टेबल बॉय जेंटली लेट द डंकी डाउन द स्टेबल एंड इनटू अ स्टॉल, ही फिल्ड अ रैक विद हे एंड पेटेड द डंकीज बैग, देयर यू गो ऑल चैप, बेटर ईट क्विकली बिकॉज यू विल बी सेट टू वर्क सून। स्टेबल बॉय ने जाकर फौरन से डंकी को स्टेबल में बांधा और उसके लिए जो है रैक में सूखा हुआ घास डाला और उसकी जो है बैग थपथपाते हुए कहा कि बेहतर होगा कि तुम जल्द अज जल्द अपना खाना खा लो क्योंकि तुम्हें बहुत जल्द ही काम पर लगा दिया जाएगा। स्टिल इन द फॉर्म ऑफ द डंकी रुबेजल एक्सक्लेम्ड, अगरचे वो गधे की शक्ल में था लेकिन वो चिल्लाया आई डोंट ईट हे, मैं सूखा हुआ घास नहीं खाता, आई ईट नथिंग, मैं कुछ नहीं खाता, बट लेकिन रोस्टेड एंड बॉइल्ड टर्निप्स, भुने हुए या उबले हुए शलजम मुझे पसंद है, नथिंग बट द बेस्ट।
द बॉयज़ हेयर स्टूड ऑन एंड ही फ्ल्यू ऑन हिज मास्टर एंड रिलेटेड टू हिम हिज वंडरस टेल। बॉय जो है वहाँ खड़ा हुआ था, बहुत ही हैरान हुआ और घबरा गया। द मिलर एंड द बॉय रश बैक टू, और फ़ौरन से जाकर अपने मालिक के पास पहुँचा और बताया कि वो इस तरह बोल रहा है। द मिलर एंड द बॉय रश बैक टू द स्टेबल। मिलर और वो बॉय जल्दी से भागते हुए स्टेबल में दोबारा आए। देयर दे फाउंड नथिंग, और वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। द डंकी लाइक द $9 हैड वैनिश, जैसे कि उसके $9 जा चुके थे, इस तरह वो डंकी भी गायब हो चुका था। द मिलर वॉज सो शॉक्ड, मिलर बहुत ज़्यादा परेशान था, दैट ही फॉरगॉट टू शाउट एट द बॉय एंड स्क्रैच हिज हेड इन पर्सनमेंट। वो इस कदर परेशान था कि वो अपना जो उसका नौकर था, जो उसका सर्वेंट था, उस पर चिल्लाना भी भूल गया और वो पजलमेंट में अपना सर खुजा रहा था। बैक ऑन द माउंटेन रुबेजल लाफ टू हिमसेल्फ। रुबेजल जो था, जो माउंटेन स्प्राइट थी, वो वापस आई माउंटेन पर और हंसी। द मीन मिलर हैड बीन पनिश्ड, जालिम जो मिलर था उसको उसकी सज़ा मिल गई। द ग्लेशियर विद $9 इन हिज पॉकेट वॉज हैप्पी अगेन एंड रुबेजल आई हैड इन्जॉयड हिमसेल्फ बाई प्लेइंग ट्रिक। मिलर को सज़ा मिल गई, ग्लेशियर बहुत खुश था कि उसको जो उसका ग्लास था वो अप्रॉक्सीमेटली $8 का था, उसे $9 मिल गए डंकी को बेच के, और रुबेजल बहुत खुश था कि उसने बहुत सारे ट्रिक्स प्ले की और खेला उसमें। थैंक यू सो मच।